हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या एआई टेक्नोलॉजी हमारे आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी, तो करेगी तो कितना करेगी, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, मैं इस वीडियो के आखिर में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इसके बारे में इतनी बम्बार्डिंग होती है कि आप इंस्टा खोल लो, AI AI AI, या फिर यूट्यूब पर भी वही चीज़ें चल रही है, ChatGPT, मिड जर्नी एंड अडोबी फायरफ्लाई, बहुत सारी चीज़ें। मीन्स रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक ऐसा AI के बारे में मुझे जानकारी चली कि वो थी कि अगर आपको कुछ सपना आ रहा है तो आप उसमें आप उससे पूछ सकते हो कि यह सपना आपको क्यों आया। मीन्स ये इतना मीन्स अपने डे टू डे लाइफ में आ चुका है, और आगे चल के ये अपने इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री की, जैसे जो भी क्रिएटिव फील्ड है या फिर जो IT फील्ड है, इसको तो 100% ये अफेक्ट करने वाला है। तो क्या ये अपने इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट करेगा, क्या आर्किटेक्चर के जॉब्स सच में मुसीबत में है या नहीं, वो हम आखिर में देखेंगे। लेकिन कुछ AI टूल्स है जिसका हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, वो कौन से साइट्स है वो हम इस वीडियो में देखेंगे पहली बार, और कुछ लास्ट में आपको टिप्स बताऊंगा कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो अपने विजुलाइजेशन में या फिर क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड कुछ चैट वाले भी मैं आपको मिस रिकमेंड करने वाला हूँ, तो वो क्यों करने वाला हूँ वो भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से AI टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है, तो सबसे पहले प्रोम AI एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कुछ टूल्स है सिंपल है, मैं आपको बताऊँगा। तो रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझे एक इमेज भेजा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये उनको ऐसे चाहिए था, मीन्स ये उनका आइडिया है, ठीक है। वो मीन्स होते हैं, मीन्स क्लाइंट के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको चलना पड़ता है। ये स्केच है, मीन्स ये उन्होंने बना के भेजा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा एडिट करके इसको मैंने फोटोशॉप में इसको इसके लाइंस है थोड़ा सा डार्कर कर लिया था, ठीक है। एंड सेकंड, ये इमेज था तो लो क्वालिटी का था, तो इसको मैंने एनहांस कर दिया। यही इमेज मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर स्केच रेंडरिंग है, या फिर यहाँ पर ट्राई नाउ कर सकते हो। जैसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे आप नीचे देख सकते हो, कुछ मैंने पहले ही ऑलरेडी कुछ ट्राई कर चुका हूँ आपको दिखाने के लिए और मुझे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे ये जो हाई क्वालिटी वाला है यहाँ पे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक कॉमन में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर में जाना है, और यहाँ पे भी बहुत सारे मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ या फिर स्टाइल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ईस्टर्न यूरोपियन जो भी है, ठीक है। तो हमें इतना ज़रूरत नहीं है, हम मॉडर्न में ही जाएंगे, और सिंपल जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैंने सब ट्राई किया है, ठीक है। मीन्स सबसे बेटर तो यही आ रहा था, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, इसके सारे मैं लिंक्स नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद रेंडर मॉडल है, रेंडर मॉडल में यहाँ पर चार ऑप्शन है, यहाँ पर जो स्पेस वाला यहाँ पे दिखा है सूटेड फॉर रियल लाइफ फोटोज, ओके। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे उसको कमांड देख सकते हो, प्रॉम्प्ट देख सकते हो। फिलहाल तो मैं एज इट इज़ इसको जनरेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसी का ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था। और इस साइट की अच्छी बात है, आपको लॉगिन भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर लॉगिन करते हो तो कुछ चीज़ें आपको और मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको जनरेट किया था, देखिए ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो क्लाइंट का एक इशू क्या होता है कि उनको है ना पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है, तो वो मैं यही बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये इंडियन क्लाइंट के मेंटालिटी के हिसाब से अभी तक तो नहीं बना, ठीक है। तो जितना भी ये AI का चल रहा है ना, ये सिर्फ हमें विजुलाइज या एक आइडिया लेने के लिए है, ठीक है। तो यही मान के चलिए फिलहाल। तो देखिए, ये थ्री ऑप्शंस है, यहाँ पे थ्री ऑप्शंस यहाँ पे इसने दिखा चुका है, यहाँ पे देखिए। तो आपको बेसिक आइडिया तो आ जाएगा इसमें से कि कहाँ पे क्या आने वाला है, कहाँ पे चीज़ें कैसे दिखेगी, या फिर जो सपोज मुझे यहाँ पे ये जो ग्रास का है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये ठीक लगा,
मैं इस क्लाइंट का मैंने जो बनाया था वो भी आपको दिखाऊंगा, ये वाला रिवाइज होके 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 यहाँ तक पहुँचे वाला है। तो आपको पता है मीन्स हम क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, या डिज़ाइनर होने के बाद आपको किन किन चीज़ों की आपको मीन्स कोशिश करनी पड़ती है, डिज़ाइन करनी पड़ती है, मीन्स उनके हिसाब से आपको बना के देनी पड़ती है, तो वो चीज़ें होती है। तो ये एक फाइनल ड्राफ्ट था क्लाइंट की ओर से, एंड ये चीज़ें अब यहाँ पे देखिए ये इसने ऐसे बना के दिया है। तो हमको इसमें बेसिक से क्या देखना है कि हमको इसमें से क्या देखना है, मीन्स विजुलाइज कैसे करना है, मीन्स लाइट मोड कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो इससे बेटर अभी ये ड्राइंग ठीक नहीं था इसलिए ये ऐसे आया है। मैंने इसलिए और कुछ ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है, यहाँ पे देखिए ये नेट से ही उठाया है, आप चाहे तो स्केच कर सकते हो, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो डायरेक्टली हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे फिर से मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, अपलोड, यहाँ पे ये इमेज अपलोड कर दिया। ये जो हमारा सेटअप था वो एज इट इज़ रखेंगे और सिंपल जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये कुछ सेकंड्स लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली मीन्स ये अभी बीटा मोड में ही है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखिए यहाँ पे। तो सिंपल ये जो स्केच था, ये स्केच का इसने आपको इतनी अच्छी तरह से आपको मीन्स ये करके दे दिया। देखिए मीन्स आपको कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करनी है, लाइट का मोड, ग्लास, ठीक है, या फिर जो भी होने। तो देखिए इस कहीं कई चीज़ों पे यहाँ पे ये अभी भी थोड़ा सा इनको मीन्स इसको अच्छा अच्छा स्केच चाहिए, मीन्स जो भी लाइंस है वो डार्कर चाहिए, तो ये अच्छा बना के देगा। फिर लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मीन्स बहुत अच्छी तरह से इसने मैनेज किया है। तो अभी और एक देखेंगे, एक सेकंड ऑप्शन ये वाला, यहाँ पे लाइट शैडो, देखिए ये आर्टिफैक्ट्स कुछ आ गए, ठीक है, मान लेंगे हमें, अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये काम तो करता है भाई, मीन्स ये 100% काम करता है। मीन्स देखिए यहाँ पे ग्रास वगैरह, ठीक है, इस तरह से। और एक देखेंगे ये वाला, फिर से जनरेट करेंगे। तो ये था हमारा स्केच और ये इसने ऑलरेडी बना के दे दिया, देखिए। तो नो डाउट ये 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको इतने अच्छे से अच्छी तरीके से इमेज बना के दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपका स्केच अच्छा है तो आप इसको इस वेबसाइट को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये अब मेरा ओपिनियन क्या रहेगा कि सपोज मुझे आइडियाज चाहिए, मीन्स इलेवेशन डिज़ाइन करने से पहले मुझे आइडियाज चाहिए, तो मैं इसको डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। क्योंकि अब क्या होता है कई कई बार अपना दिमाग है ना कभी कभी रुक जाता है, मीन्स इसके आगे वो सोच ही नहीं पाता है, मीन्स इतना माइंड स्ट्रक हो जाता है। उस टाइम को आपको किसी अच्छे आर्टिस्ट की या फिर अच्छे जो डिज़ाइनर या फिर इंटरनेट जो भी है आपको उसकी उनके इंस्पिरेशन लेने ही पड़ते हैं। तो इसको हम ऐसे इंस्पिरेशन देख सकते हैं फिलहाल। तो ये कुछ इमेज है, आप नंबर ऑफ इसको ट्राई कर सकते हो, ये अलग अलग आप इस लगा के ट्राई कर सकते हो। सपोज मान लो ये लगता हूँ यहाँ पे और इसे फिर से मैं जनरेट करता हूँ, तो कुछ इसमें कुछ अलग से ये करके दे देगा आपको, मीन्स उसमें नंबर ऑफ ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। तो फॉर अ रेफरेंस, फॉर विजुलाइजेशन, लाइटिंग मोड सेटअप, ये सब चीज़ें देखने के लिए आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये तो मैं खुद भी अभी करने लगा हूँ फिलहाल इसको, क्योंकि कुछ आइडियाज़ है ना। अभी देखिए यहाँ पे जो प्लांट था, अभी ये क्लाइंट नहीं बोलेगा क्योंकि इसका क्या होगा कि पीछे का मुझे दिख नहीं रहा है इलेवेशन, ऐसे होता है अपने क्लाइंट के हिसाब, मीन्स उनका सोच ऐसे होता है। लेकिन एज अ विजुलाइजर हमको कुछ चीज़ें ऐसे खुद से ऐड करनी पड़ती है, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो विजुलाइज अच्छा होता है, मीन्स क्लाइंट को पहले एक ड्राफ्ट में उनको कन्विंस कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये प्रोम एआई है, ठीक है, इसका साइट मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसमें और भी कुछ टूल्स है, आप ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक्सप्लोर में आके जो पहले ही बन चुके हैं उनके आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया देखिए, तो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आप उसको देख सकते हो। तो ये आपका एक अच्छा इंस्पिरेशन बन सकता है।
तो आप डिज़ाइन करने से पहले इसको डेफिनेटली ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हो। ये मुझे लगता है इंटीरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सटीरियर में ये एक अलग अप्रोच होता है। इंटीरियर में ज़्यादा मीन्स वही सोफ़ा होगा, वही फर्नीचर के अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो इंटीरियर के लिए बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक ये होगा प्रो में है, हम दूसरे साइड की ओर चलेंगे। दूसरा ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, इमेज क्रिएटर नाम है इसका, ये पावर्ड बाय डाली है। तो जब AI की बात करते हैं तो मिड जर्नी सबसे पहले आता है, मीन्स उसके क्वालिटी का कोई तोड़ ही नहीं है, मीन्स वो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको निकाल के देगा। तो लेकिन उसके वो क्या है कि आपको क्रेडिट देता है, मीन्स आपको एक नंबर ऑफ क्रेडिट, सपोज 25 क्रेडिट देगा, तो उसके बाद वो ख़त्म, मीन्स आपको पे करना है। ठीक है, पेड वो एक साइट है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इमेज जो क्रिएटर है ये फ्री है, आप इसको कितने भी आप बना सकते हो, ये फ्री वाली ही है आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आपको 100 यहाँ पे कॉइन्स या फिर जो भी यहाँ पे बूस्टर दिया है यहाँ पे ये मिल जाते हैं, लेकिन 100 होने के बाद भी आपको ये बना के देगा। ये क्या बोल रहा है कि इमेज जनरेशन में भी मीन्स थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लेगा इसका, कोई मीन्स इशू नहीं है, आप बना सकते हो, ये फ्री है। और एक चीज़ अगर आपको हमें स्पीड में ही चाहिए, तो आप अलग अलग ईमेल्स बना के, जो टेम्प्रेरी ईमेल्स होते हैं उनको भी यूज़ करके आप बना सकते हो। तो ये फ्री में है, इसको कोई पेड करने की ज़रूरत नहीं, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी वेबसाइट है, सॉरी। तो हम इसमें देखेंगे, लेकिन इसमें है ना आपको इमेज के अलावा आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। अभी सिंपल से चलो हम अपने ही एक डेली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2-स्टोरी बंगलो इलेवेशन डिज़ाइन। आप कॉमा देने के बाद इसको अलग कुछ बता सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा रियलिस्टिक इंडियन स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ ट्राई किया था पहले, ये भी बहुत अच्छा आपको आउटपुट देता है, लेकिन ये विजुलाइज मीन्स ये इमेजिनरी है, मीन्स ये आपको मीन्स ऐसे खुद का मीन्स ऐसे कुछ प्लान डाल के वैसे नहीं बना के देगा। देखिए इंडियन स्टाइल बोलते ऐसे आ गए, यहाँ पे इंडियन स्टाइल निकाल देता हूँ मैं, मॉडर्न डाल दूँगा यहाँ पे, मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे, तो थोड़ा वक्त लेगा ये। और देखिए यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे जो बूस्टर्स है यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कितना मीन्स आपको अभी एलिवेशन बनाना है, ठीक है, मॉडर्न डाला तो फिर भी ये ऐसे आ गया। तो यही है फिलहाल, AI की हालत यही है, उनको अभी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है, तो इसका यही प्रॉब्लम है। लेकिन कोई नहीं, आप देख सकते हो, मीन्स आपको विजुलाइज कैसे करना है। सपोज इस तरह का प्लान आपके पास आ गया, ठीक है, स्लोपिंग वाला, तो इसको कैसे करना है ये आपको मीन्स पहले ही आपको पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ये बालकनी लूँगा, यहाँ पे ऐसे लूँगा, ये सब चीज़ें। तो जैसे आप डालोगे ना इस तरह से, आपको वो बना के दे देगा, मीन्स एक ही इसके अलग अलग ऑप्शन या फिर अलग अलग, अभी देखिए अलग मीन्स ये अभी सपोज क्लाइंट ने प्लान भेजा, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स ये हमको सिर्फ विजुलाइज करने के लिए या हमको देखने के लिए कि हम बनाने से पहले क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर क्या होता है सेम सेम वही चीज़ें बनाते वक्त क्या होता है कि हम दूसरा जो प्लान आएगा नए क्लाइंट का उसको हम क्या दे, ऐसे होता है ना, हम सेम सेम भी कर नहीं सकते, किसी का मीन्स डिज़ाइन उठा भी नहीं सकते क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो उस बंदे का काम है, तो हम करें तो क्या करें, मीन्स अलग क्या करें, ऐसे होता है ना। तो उस वक्त ये चीज़ें काम में आती है। तो ये भी वेबसाइट अच्छी है, आपको मीन्स इसको यूटिलाइज डेफिनेटली करिए आप, क्योंकि जो आप बनाने से पहले आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कभी कभी, तो उस वक्त आपको एज अ रेफरेंस, एज अ इंस्पिरेशन देखने के लिए इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो। ये फिलहाल मॉडर्न डालने के बाद भी ये ऐसे ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन कोई नहीं। तो ये एक चीज़ बतानी थी मुझे, ये एक वेबसाइट अच्छा है, मैंने इसको ट्राई किया है, पहले भी ट्राई किया है। देखिए तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन या फिर मॉडर्न डिज़ाइन, हाइपर रियलिस्टिक, ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स है, आप प्रॉम्प्ट डाल के आप इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे जो डाला था ना ये प्रॉम्प्ट डाला था, तो 2 स्टोरी मॉडर्न एलिवेशन रियलिस्टिक कॉर्नर व्यू लाइट मोड वगैरह, तो इस तरह से बना के दिया। ये काफ़ी अच्छा है, मीन्स आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करिएगा। तो नंबर थर्ड पे आता है, अब ये डिस्कॉर्ड तो आपको पता होगा, डिस्कॉर्ड में मिड जर्नी आपको पता होगा, मीन्स अगर नहीं पता तो आप भाई किस दुनिया में हो, क्योंकि इतना बाहर इसका माहौल हो चुका है।
तो अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आप YouTube कर सकते हो मिड जर्नी के बारे में। तो मिड जर्नी एक पेड़ है, उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पे है ब्लू विलो नाम से है। आप गूगल करेंगे ब्लू विलो तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इसके लिंक सबको नीचे देने वाला हूँ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ब्लू विलो जब आपको लॉग इन करना पड़ेगा डिस्काउंट के अकाउंट से। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आना है आपको, ये जो रुकीज़ दिख रहे हैं मिड जर्नी में न्यूबीज होते हैं, यहाँ पे रुकीज़ होते हैं। तो किसी भी एक चैनल में जाके, कम्युनिटी में जाके आप यहाँ पे वही चीज़ मीन्स इमेजिन प्रॉम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे / इमेजिन प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और इंटर कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे इनका एक प्रॉब्लम क्या पता है, आपको ये इतने सारे अपडेट होते रहते हैं ना, आपको खुद का ढूंढना पड़ता है कि मेरा किधर गया है। यहाँ पे मीन्स नीचे ऊपर करना पड़ता है, इसका थोड़ा सा ये है। इंडियन ये वाला अपना है, देखिए। तो यहाँ पे भी आपको एक काफ़ी अच्छा है आपको विजुलाइज करने के लिए, बताने के लिए, देखने के लिए। तो सिंपल देखिए ये कितनी अच्छी तरह से आपको विजुलाइज करके दे रहा है। ये बहुत ही मीन्स ये ट्री वाला पता नहीं बहुत हाई हो गया यहाँ पे, ये वाला एलिवेशन अच्छा है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे देखिए आगे इसने बहुत अच्छा कर दिया, इसमें भी आगे अपने को कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पे भी अच्छा कर दिया। इसमें आपको सपोज़ कोई चीज़ अच्छी लग रही है या फिर कुछ अलग उसमें देखना है, देखिए यहाँ पे ऊपर अपस्केल वाले ऑप्शन है, नीचे वेरिएशंस वाले वर्जन है। यू यानी अपस्केल, वी यानी वेरिएशंस। सपोज़ मुझे इस वाले या इस वाले में वेरिएशंस देखने हैं तो मैं ये U2 को V2 करूँगा क्योंकि मुझे उसमें वेरिएशंस देखने हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर नीचे आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनका सर्वर रहता है ना, वो हर टाइम कोई ना कोई कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लेगा तो थोड़ा सा वेट करना है हमको। देखिए यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत अच्छी, यहाँ पे थोड़ा सा कार्टूनिश लग रहा है, यहाँ पे भी उस तरह से आ गए, यहाँ पे भी वैसे लग रहा है। तो इस तरह से है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपका जॉब जाएगा या नहीं जाएगा। फिलहाल तो नहीं जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन हम इनको अपने, जैसे मैंने कहा है कि इंस्पिरेशन लेने के लिए आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लू विलो है, आप इसमें कितने भी बनाओ कोई इशू नहीं है, ये फ़िलहाल फ्री में भी चल रहा है, मीन्स इसको आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे रिसेंटली मिला है, मुझे पहले नहीं पता था इसके बारे में, इस AI वेबसाइट के बारे में। तो ये कितना फ्री देगा वो मुझे पता नहीं, मैंने इसमें 10-12 कुछ इमेज जनरेट किए होंगे अभी तक। तो ये एक वेबसाइट है ब्लू विलो, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं राइटर और चैट GPT। अब ये राइटिंग वाले सेक्शंस में आ गए हम, ठीक है। ये सब AI जो इमेज जनरेट वाले थे वो एक अलग चीज़ थी, और ये राइटर एक अलग चीज़ है। अभी ये आप बोलोगे कि ये इसमें इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ एलिवेशन डिज़ाइन अच्छा करना या फिर क्वालिटी अच्छा निकालना, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना, इससे भी अलग कुछ चीज़ें इसमें इस इंडस्ट्री में मैटर करती है। क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर सपोज किसी क्लाइंट को आपको रेस्पॉन्स करना है तो आपको मीन्स शुगर कोट करना होता है, मीन्स आपको मीन्स ऐसे नहीं कि ज़्यादा मीन्स कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर रहे हो ऐसे नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें है ना बोलते हैं ना कि जुबान पे शक्कर रख के आपको बात करनी है, मीन्स इतनी मीठी बात करनी है कि उनको मीन्स आपको अच्छा लगे, मीन्स होता है ना कि कोई मुझसे अच्छा बात कर रहा है तो अच्छा ही लगता है ना। तो इस तरह से अब इसका यूज़ कैसे कर सकता है, इस AI का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जैसे अभी ईमेल आएगा, ठीक है। तो मान के चलो अभी सपोज़ किसी क्लाइंट का ईमेल आ गया है या फिर आपको कुछ किसी को भेजना है, तो सपोज़ यहाँ पे ऑप्शंस है, मैं आपको बताऊँगा। सपोज़ मुझे जॉब ढूंढनी है, आई वॉन्ट जॉब इन यूअर फर्म, ठीक है। मैं देखते ये क्या करता है, ये राइटर, एक writer.me एक वेबसाइट है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सॉरी, तो यहाँ पे बता रहा है कि सपोज सब्जेक्ट क्या है,
मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मुझे आपकी कंपनी में काम करना है। डियर हायरिंग मैनेजर, अभी जो भी है, देखिए इतना पढ़ते बैठूंगा नहीं, अभी आप देख सकते हो कि आई वुड लव टू चांस फर्दर डिस्कस हाउ, मीन्स जो भी है, मीन्स ये ऑटोमेटिकली आपको एक बना के दीजिए, मीन्स आपको क्या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉपी कर लो, यहाँ पे आपका नाम नंबर जो भी है खाली कॉपी करना है, उधर जाके पेस्ट करना है, सिंपल। तो इस तरह से, या फिर आप यहाँ पे देखिए पोस्ट एंड कैप्शन आइडियाज, जैसे आप अभी इंस्टा यूज़ करते हो या फेसबुक यूज़ करते हो, पिंटरेस्ट यूज़ करते हो या लिंकडिन जो भी हो, तो अभी यहाँ पे सपोज आपको पोस्ट करना है, आपने 3D elevation बनाया, नीचे कैप्शन क्या डालना, हर बार कैप्शन क्या डालना है, इस तरह से आपका कुछ है तो आपको सिंपल यहाँ पे कुछ डालना है कि न्यू 3D elevation डिज़ाइन, ऐसे कुछ डाला है आपने और सिंपल क्लिक कर दिया। यहाँ पे 3 वेरियंट्स है, देखिए मेरा ख़त्म हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर चुका था, इसलिए मेरे क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये फ्री है। आप यहाँ पे ये आपको हर रोज़ कुछ देता है, मीन्स कुछ लिमिटेशन देता है, या फिर आप सेम मैंने जैसे बताया आपको अलग मेल डाल के आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। तो सिंपल से आपको बता दूँ कि आपको आप जिसे जो पूछोगे उसका आंसर दे देगा, ठीक है? तो एक सिंपल सी बात है, आप रिप्लाई कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे बताना है, ये सब चीज़ें तो ChatGPT में आते हैं अभी फ़िलहाल। इसमें भी सेम चीज़ें होती है लेकिन थोड़ा सा अलग से, ठीक है? तो मुझे सपोज मान लो कि किसी क्लाइंट को मुझे पेमेंट काम कर चुका हूँ लेकिन पेमेंट आया नहीं है, तो क्लाइंट को कैसे पूछना है? तो अभी आप बोलोगे सर पेमेंट भेज दो, या फिर वेटिंग फॉर पेमेंट, ये ऐसे डालोगे थोड़ा सा रूड लगता है, मीन्स होता है ना कि रूडनेस आता है उसमें, मीन्स अब क्लाइंट को लग सकता है कि ये कुछ ऐसे कुछ मांग रहा है ऐसे। तो आप बेसिकली यहाँ पे इसको बोल सकते हो हाउ टू आस्क क्लाइंट फॉर पेंडिंग पेमेंट, तो यहाँ पे ये दे देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा दे दिया है, हमको इतना नहीं चाहिए कुछ, ये प्रॉम्प्ट पे चलता है, ठीक है? ये आपका जैसे प्रॉम्प्ट डालोगे वैसे चलता है, रिक्वेस्ट पेमेंट इतना ही डालते हैं। तो मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ, ऐसे कुछ सोच के मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, लिखे ठीक है, यहाँ पे जो दिल में आ रहा है वहाँ पे टाइप कर दिया है। ये क्या बोलता है देखेंगे, मुझे अटेंशन चाहिए था कि मुझे पेमेंट चाहिए इस इनवॉइस का, ठीक है? इस तरह से आप इसे शॉर्ट कर सकते हो इसी मैसेज को, इन 50 वर्ड्स, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट इज सेटल द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ डैश, पेमेंट इज ओवर ड्यू, प्लीज आप पेमेंट भेज दीजिए, जो भी है। तो आप इतना ये कॉपी करके आप डायरेक्टली है ना, या फिर पूरा भी आप डियर जो भी क्लाइंट का नेम है, क्योंकि अभी हर बार आप व्हाट्सएप पे जब भेजते हो तो क्लाइंट का नाम डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आप डियर या फिर हेलो सर लिख सकते हो वहाँ पे, और सिंसियरली आपका फर्म का नाम या फिर आपका नाम, तो ये इतना कॉपी करके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? या फिर और कुछ चीज़ें, सपोज मुझे कुछ मेरा एक जो होता है ना कि ऑटोमेटिक मैसेज आता है व्हाट्सएप में, सपोज वो टेक्स्ट मुझे बनाना है, सपोज तो वी आर एक्सपर्ट इन 3D विजुअलाइजेशन। देखिए अब ये टेक्स्ट, वी आर एक्सपर्ट्स इन 3D विजुअलाइजेशन यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्निक्स टू ब्रिंग योर कॉन्सेप्ट टू लाइफ, आवर टीम कंबाइंस आर्टिस्ट स्किल, अब ये जो भी है पढ़िए, तो लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज इंटू स्टनिंग 3D विजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है? तब ये इतना टेक्स्ट आपको कॉपी करना है, आपका जो व्हाट्सएप का फर्स्ट मैसेज रहेगा, जो जो किसी क्लाइंट ने सपोज हाई भी भेज दिया तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा ये। तो ये क्या होता है, इससे है ना थोड़ा सा आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसीलिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये कुछ चीज़ें थी, तो ये कुछ टूल्स थे, ये कुछ वेबसाइट्स थे जिनका हम यूज़ कर रहे, मीन्स डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर ट्राई आउट कीजिए, मैं आपको सारे इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, क्या AI टेक्नोलॉजी अपने आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को या फिर 3D आर्किटेक्चर विजुअलाइज जॉब्स को खा जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा? तो इसका मेरा ओपिनियन है फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि
इन फ्यूचर ये इसमें कुछ, या अभी फिलहाल बीटा मोड में, बीटा मोड यानी ये अभी बच्चा है मीन्स, ठीक है, ये बड़ा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन इसको टाइम है, ठीक है। अभी एज अ फ्रीलांसर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत सारे क्लाइंट के साथ डील करता हूँ डे टू डे बेसिस पे, तो होता क्या है कि उनके है ना माइंड में अलग अलग मीन्स आइडियाज़ होते हैं, पहले से ही होते हैं। ये एआई क्या करते हैं, विजुलाइज, आपको सब मान के चलो कुछ कॉन्सेप्चुअल, मीन्स एलन मस्क का घर कैसा हो, तो वो एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एलन मस्क बना भी लेगा वो, लेकिन ये अपने क्लाइंट है ना मीन्स, अभी सपोज मैं भी अभी सपोज खुद की बात करूँ, मैं उतना घर चाहे तो भी बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो एक्सपेंसेस होते हैं, मीन्स अपना एक लाइफ होता है, अपना एक स्ट्रगल या फिर जो भी हो, तो वो उस फेज पे है फिलहाल। तो हमको इसको फिलहाल एज अ इंस्पिरेशन के लिए यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल लेंगे तो जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये जो भी अभी इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी आ गया था तो गूगल की नींदें उड़ गई थी, तो गूगल ने फिर से अपना कुछ एल्गोरिथम चालू करके अभी ये गूगल बार्ड यानी ऐसे बनाया है जो भी सेम चैट जीपीटी तरह है, उनका एक पाम या फिर डार्ट ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिंग में भी बहुत सारे अपडेट ला चुका है। तो ये जो इंडस्ट्री अभी ये अलग हो चुकी है। तो अगर अपने इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोडेस्क, अनरियल इंजन, लूमियन, ब्लेंडर, स्केचअप, ये जो भी मीन्स बहुत सारे, राइनो, रेविट, जो भी हो मीन्स, अभी राइनो रेविट के लिए और स्केचअप के लिए ऑलरेडी एक प्लगइन आ चुका है जो एआई कर रहा है मीन्स, ठीक है, मीन्स फ्लोर प्लान बनाने के लिए भी आ गए, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आगे चल के ऐसा हो सकता है कि वीरे कोरोना या फिर ऑटोडेस्क खुद ही ऐसे कुछ एआई डेवलप कर ले और उनके सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दे वो, कि जिसके थ्रू आपको मीन्स आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप मान लो कि आपने कुछ एक ब्लॉकिंग बना लिया एलिवेशन का और सिर्फ एक रेंडर क्लिक कर दिया तो आपको एक नंबर ऑफ ऑप्शंस दे देगा वो उसी एलिवेशन के, या फिर उस मॉडल को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग अलग सीन बना के दे देगा, ऐसे हो सकता है। मेरा ये मीन्स अंदर से मुझे ऐसे लग रहा है, 100% लग रहा है कि ये आगे चल के ऐसा होगा कि वीरे या फिर कोरोना या फिर लूमेन जो अलग अलग मीन्स वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे अनरियल हो गया, ये सब चीज़ें लाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मटेरियल्स मैं खुद करूँ, लाइटिंग मैं खुद करूँ, ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो ये आगे चल के ऐसा हो सकता है मीन्स, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि सपोज़ मुझे एक कमेंट आया था कि मैं 29 साल का हूँ, अब इस फील्ड में अभी अभी एंटर करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि वो मुझे एआई देख के डर लग रहा है। तो ऐसे नहीं होता है भाई, क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी ये जैसे फिर से बताऊँगा ये बीटा मोड में है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन आपके स्किल्स, आपका क्लाइंट बेस, ये अभी बहुत मीन्स अलग है और ये एआई बहुत अलग है, इसको डेवलप होने में बहुत टाइम है। तो आप डेफिनेटली इस पर आप आइए, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप क्वालिटी लानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से फ़िलहाल तो कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे, आपको तैयार रहना है। मीन्स ऐसे नहीं कि आप चलो यही कर रहा है, यही कर रहा है, यही करना है, ऐसे नहीं है, आपको मीन्स उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैं कुछ साइड बताए यहाँ पे उनको भी यूज़ करना है, तो आपको अपडेट रहना है। तो आप अपडेट रहिए, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये कुछ इंडस्ट्री में कुछ क्या कुछ नया हो रहा है, मैं इनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है फ़िलहाल के लिए। आप अपना काम करिए, आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस बहुत करिए फ़िलहाल तो, और जितना आप काम अच्छा करेंगे तो आपको मीन्स उतना ही इनकम सोर्स या फिर आपका काम अच्छा होगा या फिर आपको काम अच्छे मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन, तो फ़िलहाल तो नहीं, आगे चल के मे भी हो सकता है या मे भी नहीं। तो मुझे पता है कि एज अ डिज़ाइनर कि जो इंडियन क्लाइंट बेस है ये इनको है ना छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है, एक ग्रू या फिर एक पिन निकालना है या रेलिंग को सा लगाना है, तो एआई उतनी चीज़ें अभी तो कर नहीं पाएगा। आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, वो है अडोबी का फायरफ्लाई, आप उसमें फोटोशॉप में भी वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसका अलग से वेबसाइट भी है, वो एक चीज़ अलग है मीन्स एआई ये वाले चीज़ अलग, एक विजुलाइजेशन अलग से इनके इमेजेशन बना के देते हैं हमको, वो उसको यूज करके हम उसको पोस्ट प्रोडक्शन में काम ला सकते हैं, ठीक है।
अगर आप चाहे तो मैं Adobe Firefly जो साइट है या फिर फोटोशॉप में भी है उसको अगर चाहे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। मीन्स वो एक अच्छी चीज़ आएगी, अभी वो भी फ़िलहाल भी बीटा मोड में ही है। फोटोशॉप बार बार क्रैश होना, ये सब चीज़ें हो रही है फिलहाल, तो उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करना वो हम चाहे तो अलग वीडियो बना सकते हैं, अगर चाहिए तो आप मुझे नीचे बता दीजिए। तो इसीलिए मैं इसको इस टॉपिक में वो उसको नहीं रखा हूँ, इंक्लूड नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो, ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है, मेरा काम आपको अच्छा लगता है, तो मुझे एक सिंपल सा एक सपोर्ट कर सकते हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो आप चाहे तो, या फिर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और इनसे डरिए मत।